क्या हम हिंदू को मरवाने के लिए कश्मीर के अंदर भेजें? क्या हिंदू केवल राजनीति का एक अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल करने की चीज रह गई है? 1990 से लगातार हिंदू कश्मीर के अंदर मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी हिंदू को बचाने के लिए उनकी सुरक्षा के सरकार बड़े बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है कश्मीर के अंदर सरकार। केवल अभी डिपकॉम जो है वहाँ का कश्मीर का, वो एक ऑर्डर पास करता है कि सभी को वहाँ पर ड्यूटी पे आना है। देखिए किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से। क्या हम हिंदुओं को मरवाने के लिए कश्मीर के अंदर भेजें? क्या हिंदू केवल राजनीति का एक अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल करने की चीज रह गई है? 1990 से लगातार हिंदू कश्मीर के अंदर मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी हिंदू को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कश्मीर के अंदर कोई पुख्ता इंतजाम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। केवल कोरे वादे, केवल कोरी बातें सरकार की तरफ से की जाती रही हैं, जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं। हमारा भाई एक और आज जो है वो शहीद हुआ है, मैं शहीद करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर ये लोग अपना खून बहा रहे हैं इस कश्मीर के लिए, तो ये शहीद ही कहलाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हमारे हिंदू की हत्या की जा रही है, हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार सुधर जाए, हिंदुओं को सुरक्षित कराए और हमारी बातों को सुना जाए। अगर नहीं सुनेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। कहाँ है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? हम बार बार सड़कों पे आते हैं, बार बार पुतले जलाते हैं, बार बार सरकार को जगाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार है कि किसी भी हिंदू को सुरक्षित करने का काम नहीं कर रही है। और सरकार लगातार जो है वहाँ के जितने मुलाजिम है वो वहाँ से एक ट्रांसफर की मांग लेकर कश्मीर के अंदर बैठे, उनकी पे जो है वो बंद कर दी सरकार ने। अभी त्योहार के सीजन थे ना, वो त्योहार मना पाए। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से वो सभी लोग जो हैं वो आंदोलन के अंदर बैठे हुए थे। करवा चौथ के दिन भी महिलाएं जो है खासतौर पर वो भी उस आंदोलन के अंदर थी, लेकिन सरकार जो है उसकी नींद नहीं खुल रही है। बड़ी बड़ी बातें कर रही है कश्मीर के अंदर सरकार। केवल अभी डिपकॉम जो है वहाँ का कश्मीर का, वो एक ऑर्डर पास करता है कि सभी को वहाँ पर ड्यूटी पे आना है। देखिए किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से। क्या हम हिंदुओं को मरवाने के लिए कश्मीर के अंदर भेजें? क्या हिंदू केवल राजनीति का एक अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल करने की चीज रह गई है? 1990 से लगातार हिंदू कश्मीर के अंदर मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी हिंदू को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कश्मीर के अंदर कोई पुख्ता इंतजाम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। केवल कोरे वादे, केवल कोरी बातें सरकार की तरफ से की जाती रही हैं, जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं। हमारा भाई एक और आज जो है वो शहीद हुआ है, मैं शहीद करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर ये लोग अपना खून बहा रहे हैं इस कश्मीर के लिए, तो ये शहीद ही कहलाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हमारे हिंदू की हत्या की जा रही है, हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार सुधर जाए, हिंदुओं को सुरक्षित कराए और हमारी बातों को सुना जाए। अगर नहीं सुनेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। जी, लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसको सेफ जोन में रखा जाए और इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की आपको सस्पेंशन का लेटर दिया जाएगा या फिर अन्यथा इनकी सैलरी बंद कर दी गई है। देखिए बार बार यही कहा जा रहा है कि आपको सेफ जोन दिया जाएगा, सेफ जोन में। मुझे बताइए अभी तक किसको सेफ जोन के अंदर रखा? उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित भाई हमारे वो मारे जा रहे हैं, तो सरकार के खोखले दावे। सरकार कहीं भी हिंदुओं की सुरक्षा करने के उसमें अभी तक सफल नहीं हुई है। केंद्र में जब केंद्र से मंत्री आते हैं वो ये बयान करते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी है। क्या ये नॉर्मलसी है? केवल हिंदुओं को धोखा देने का काम ये सरकारें कर रही हैं, हिंदुओं का इस्तेमाल करने का काम ये सरकारें कर रही हैं। हिंदू केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदुओं के केवल कश्मीर के अंदर मरवाया जा रहा है। और अब ऐसा नहीं चलेगा, देश की जनता जाग चुकी है। अब हिंदुओं को वोट बैंक की राजनीति के लिए मरवाया नहीं जाएगा कश्मीर के अंदर। अब कश्मीरी पंडित भाइयों को
सेव करने का काम सरकार को करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। टारगेट किलिंग पर रोकथाम नहीं है, गाड़ी से आतंकवाद मुक्त होगा, क्या लग रहा है कि ये जो एक्टिविटी हुई है? देखिए, मैं जब से मैंने होश संभाली है, जब से ये मैं कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी देख रहा हूँ, यही वादे जो है हर सरकार ने किए, हर बार सरकार इसी प्रकार से वादे करती रही, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमली जामा कहीं भी पहनाया नजर नहीं आया। हर जगह हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर के अंदर कुछ दिनों के बाद फिर टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है, उसको कहीं भी सरकार रोकने में सफल नहीं हुई है। तो सरकार की नाकामयाबी इससे साफ दिखाई देती है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार कश्मीर के अंदर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे, हिंदू वोट बैंक की राजनीति का शिकार नहीं होगा। टारगेट किलिंग पर रोकथाम नहीं लग रही है, नहीं नॉर्मलिटी नहीं दिख रही। आप देख लीजिए आज की घटना से ही, कश्मीरी पंडित भाई यहाँ पर धरने पे हैं केवल इसलिए कि उनको सुरक्षित किया जाए, लेकिन कहाँ है सुरक्षा उसके बावजूद? और बड़े बड़े दावे सरकार के कि कश्मीरी पंडितों को पुनः वहाँ बसाया जाएगा, किस प्रकार से बचाया जाएगा? क्या इस प्रकार से बचाया जाएगा? उनकी सुरक्षा कहाँ है? टारगेट किलिंग पर रोकथाम नहीं है, वहाँ सरकार बात करती है कि सिक्योरिटी दिलवाई जाएगी, किस तरह दिलवाई जाएगी सिक्योरिटी? सरकार सब जगह भाजपा की है, जिम्मेवारी भाजपा को लेनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि सरकार केंद्र में भी और यूटी सरकार भी भाजपा की है, तो भाजपा को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि वो कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फेल हुई है, ये उनको बात माननी पड़ेगी। पंडित है एक ही बात की मांग कर रहे थे कि रिलोकेट कर दिया जाए या ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी जाए, सरकारों ने उनकी बात नहीं सुनी, पर आज जो तस्वीर निकल कर सामने आई है शोपियां से, क्या लगता है कि बदलता कश्मीर नजर आ रहा है? देखिए 100 दिन से ज्यादा हो गए इनको धरने में बैठे, केवल यही कि हमें सुरक्षित स्थानों में भेजा जाए, हमें कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर किया जाए जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते। अगर सरकार कहती है कश्मीर के हालात ठीक है तो ये क्या हो रहा है? क्यों बार बार हिंदू टारगेट हो रहे हैं वहाँ पर? तो सरकार को आईना देखने का काम, अपना आईना देखने का काम भी करना चाहिए कि जिस बात को हम कह रहे हैं क्या हम उससे क्लियर हो रहे हैं क्या नहीं। देखिए वहाँ पर हिंदू मारा जा रहा है, सरकार कहीं भी हिंदू को बचाने का काम नहीं कर पाई अभी तक, हिंदू लगातार मारा जा रहा है, तो ये सामने है कि सरकार की दोहरी राजनीति के शिकार जो है वो हिंदू जो है वो कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। देखिए ये सभी भाई जो है ट्रांसफर नीति के लिए यहाँ पर बैठे थे, और सरकार ने क्या किया, इनके पे भी बंद कर दी, तनख्वाह बंद कर दी। अरे सरकार दिखाना क्या चाहती है? हिंदुओं को किस प्रकार से दबाने का काम सरकार कर रही है? हिंदू चुप नहीं बैठेगा अब? क्या हिंदू कश्मीर के अंदर केवल मरने के लिए है? यह कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है, पुराना इतिहास देखा जाए तो यह कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है, और उसी कश्मीर से बेदखल करने का काम ये आतंकवादी, ये पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस नीति नहीं बना भाई। ये जब तक सरकार इसके ऊपर ठोस नीति नहीं बनाएगी, जब तक सरकार इसके ऊपर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है कि हिंदू इसी तरह प्रताड़ित होता रहेगा, हिंदू इसी प्रकार से मरता रहेगा, हिंदू इसी प्रकार से केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज होता रहेगा।